नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु, स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, व्यापम में हलचल तेज हो गई। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। साथ ही साथ पुलिस विभाग से भी भर्तियों से संबंधित जो 975 पद ऐसे ही भर्ती, और साथ में बस्टर फाइटर्स के पदों पर जो भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। दोनों बातों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जहां सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, व्यापम में भर्तियों से संबंधित बहुत बोलना चाहिए एक हलचल जो है व्यापम में, व्यापम ऑफिस में बहुत ज्यादा हलचल तेज हो चुकी है। आप देखेंगे कि व्यापम में आप सभी को मालूम है कि बहुत सारी वैकेंसियां कंटिन्यू है, परंतु जो निकलने की प्रक्रिया है, भर्ती जो विज्ञापन है, वो व्यापम ने तैयार कर लिया है। अब आप देखेंगे कि भर्ती का, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो भी भर्ती निकलती है उसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश होते हैं, साथ में उसका सिलेबस होता है, बहुत सारी एप्लीकेशन, जो सारी चीजें प्रक्रियाएं हैं, वो व्यापम को बोलना चाहिए तैयार करना पड़ता है, और ये हर अलग अलग पद के लिए रहता है। तो जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो पद निकलेंगे वो है सबसे जो महत्वपूर्ण है, स्टाफ नर्स के पद। देखिए, स्टाफ नर्स के जो पद है वो निकलेंगे सबसे पहले। दूसरा, स्वास्थ्य संयोजक पुरुष महिला वो निकलेंगे, लेकिन वो जो है सबसे महत्वपूर्ण रहेगा स्टाफ नर्स की भर्ती। उसके बाद जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का, जो आप सभी को पता है 400 इन सब इंजीनियर का वैकेंसी, और साथ ही साथ पटवारी भर्ती। ये तीनों का विज्ञापन जो है एक साथ आगे पीछे रहेगा। आप देखेंगे कि कंटिन्यू आपको व्यापम से भर्तियों से अपडेट आपको जो साइट है मेरे द्वारा, व्यापम की साइट है, वहां पे देखने को मिलेगा, और साथ में मेरे द्वारा जो है आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप निश्चिंत होकर तैयार करिए। तो बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं पटवारी का, आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्च में इस चीज के लिए रेडी रहिएगा कि मार्च में आप लोगों को पटवारी का एग्जाम देना है, और आप इस चीज के लिए रेडी रहिए। चाहे वो पटवारी एग्जाम हो, चाहे वो सब इंजीनियर की भर्तियों से संबंधित हो, या आपके स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भर्तियां हो, आप सभी उन सभी चीजों के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत ही व्यापम के पास और सीजीपीएससी के पास बम्पर वैकेंसी आ रही है, बम्पर मात्रा में विभागों से जो है वैकेंसी आ रही है। साथ में वित्त विभाग के पास अलग जो है करीबन 13 से 14 विभाग जो है अनुमति के लिए गए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से बोलना चाहिए आप लोगों के लिए वैकेंसी आ रही है अलग अलग पद के लिए। इसी के संबंध में देखिए, आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि स्टाफ नर्स की भर्ती बहुत ही जल्द होगी, व्यापम जो है जल्द जारी करेगा विज्ञापन। यहाँ पे सब इंजीनियर भर्ती के संबंध में बताया गया है। बहुत सारे लोग पटवारी भर्तियों से संबंधित पूछ रहे थे कि वो कब आएगी, आखिरकार कब निकलेगी। तो देखिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्वास्थ्य। अगर आप स्वास्थ्य स्वस्थ है तो आप आगे की परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान परिदृश्य में। इसी के साथ सब इंजीनियर और पटवारी सभी निकलेंगी, आप चिंता मत करिए। मैं आप सभी को बता रहा हूं, व्यापम में जो भर्ती का विज्ञापन है वो जो है तैयार कर लिया है। अब आप देखेंगे कि आपको नोटिफिकेशन जो है कभी भी जारी हो सकता है। बताया अनुसार इस सप्ताह आपको नोटिफिकेशन, आपको बहुत ही ज्यादा चांसेस है मिलने की, मतलब 99.99, क्योंकि देखिए चिप्स से भी समय मांगा जाता है। अगर चिप्स अलाउ करता है, उसके बाद जो है वो व्यापम जो है उसमें आवेदन जो है ऑनलाइन जो है वो मंगाता है। तो इस वजह से सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप सभी देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपको व्यापम की साइट पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी रेडी हो जाइए, क्योंकि व्यापम का भर्ती विज्ञापन अब कभी भी जारी हो सकता है, आज, कल, परसों, कभी भी जारी हो जाएगा वैकेंसियों से संबंधित। याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, आज है दिन मंगलवार, और आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार तक ही वर्किंग डे रहता है। तो उस संबंध में आप देखेंगे कि कभी भी व्यापम या पीएससी नोटिफिकेशन जारी कर देगा। संडे को आपको 13 फरवरी को प्रीलिम्स दिलाना है सीजीपीएससी का, उस चीज के लिए भी आप रेडी रहिए। अब हम बात करते हैं पुलिस विभाग से भर्ती से संबंधित जो अपडेट मिल रही है। बहुत सारे लोग, मैं आपको कंटिन्यू जो है पुलिस विभाग से अपडेट दे रहा हूं। व्यापम में हलचल तो बहुत ज्यादा तेज है, और साथ ही साथ पुलिस विभाग में भी ये हलचल बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि जो पुलिस विभाग में बोलना चाहिए फिर से जो है टेंडर जारी किया है। ये जो टेंडर है आपके वीडियोग्राफर और फोटोग्राफी के लिए है। इसका मतलब आप सभी का जो ये जो टेंडर है, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि टाइम टेबल आपका बन चुका है,
दोनों का जो है भर्ती एक साथ होगा, और ये जो भर्तियां हैं आपको बहुत ही जल्द, इसका जो समय सारणी है आपको बहुत ही जल्द जल्द से जल्द आपको पुलिस विभाग की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेंडर जो है वो 7 मार्च जो है इसका अंतिम तारीख बताया गया है। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहिए, आपका जो एग्जाम है बहुत ही जल्द जो है आपको, जैसे कि देखिए आप लाइन में भर्ती से संबंधित मात्र आपको 15 दिन का समय दिया गया, उसी प्रकार से आपको ऐसे ही भर्ती में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन ही आपको जो है सीधी सी बात सूचना देके आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक नापजोक के लिए बुलाया जाएगा, और शारीरिक नापजोक के बाद आपको पेपर लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा के बाद आपका फिर से शारीरिक दक्षता होगा। तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए और कंटिन्यू एग्जाम की जो फिजिकल और एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। साथ में देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वन रक्षक का जो निकला है 300 पद उसके बारे में, तो देखिए उस संबंध में भी आपको कभी भी जो है वो टाइम टेबल जो है उनकी साइट पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए शेड्यूल बन चुका है। और आप लोग याद रखिएगा, जैसे 21 तारीख से लाइनमैन का चालू हो रहा है, लाइनमैन की जैसे ही भर्ती जो इसका फिजिकल खत्म होगा, आपका जो वन रक्षक है उसका जो है टाइम टेबल, मतलब उसके बाद जो है वो टाइम टेबल रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, दोनों में आप आराम से क्वालिफाई रहेंगे। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप ऐसा ही भर्ती, वन रक्षक भर्ती और साथ में क्षेत्र रक्षक भर्ती, साथ में आपका पुलिस का ऐसा ही भर्ती, तो चारों के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। चारों में फिजिकल है और अच्छा खासा फिजिकल है, अच्छा खासा नंबर है, वेटेज है, तो आप लोग इसी चार सभी का बोलना चाहिए तैयारी करिए। साथ में बहुत सारी वैकेंसियों के संबंध अलग अलग अपडेट मिल रही है, परंतु आज मुझे ये बताना जरूरी था, क्योंकि वैकेंसियां कभी भी निकल सकती है, आज कल परसों कभी भी आपके सामने जारी हो जाएगी वैकेंसी, उसके लिए निश्चिंत रहिए, मेरे द्वारा आपको कंटिन्यू अपडेट मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।